नमस्कार, सुशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज हमारे साथ झारखंड सरकार के जो परिवहन मंत्री हैं चंपई सोरेन जी, वो हैं और हम बात करेंगे जो झारखंड से जुड़े कुछ जो परिवहन विभाग से मुद्दे हैं उस पर बात करेंगे। सबसे पहले आज यहां पर इसलिए कि जो आप लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने आए, पहले दादा उनके बारे में बोल दीजिए, इसके बाद। आज हर साल की तरह इस साल भी हम लोग 8 अगस्त को हम लोग स्वाधीन दिवस मानते हैं वीर शहीद निर्मल महतो के, और इसी समय हम लोग 11:45 में हम लोग आते हैं श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और यहाँ का जो भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो कार्यकर्ता है, नेता है, एक देखिए झारखंड निर्माण में बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। झारखंड आंदोलन को गति देना, झारखंड के जनता को जगह के झारखंड आंदोलन में ले जाना बहुत बड़ा भूमिका रहा है। जो आज हम लोग झारखंड प्रदेश के रूप में हम लोग अपना पहचान देते हैं, इसमें जो शहीदों का बहुत बड़ा देन है, वही शहीदों का जो देन है आज जो झारखंड आंदोलन के समय जो एक आशा, उस आशा को हम लोग को पूरा करना है। इसके लिए हम लोग शहीद दिवस में हम लोग संकल्प लेते हैं कि हम लोग इस झारखंड की जनता का जो आशा आकांक्षा है और उसको हम लोग पूरा करना है। सवाल सर दादा परिवहन विभाग से है कि कोरोना के संकट काल में झारखंड के, आपने देखा 1.5 साल से जो हालात है उसमें परिवहन डिपार्टमेंट के ऐसे छोटे छोटे 100 से अधिक जो है स्लैब्स में चेंजेस किए गए, टैग बढ़ाए गए, ड्राइविंग लाइसेंस से कमर्शियल से ले तमाम तरह के, लोगों ने कहा कि ये तो बहुत गलत हो गया, कमाई है नहीं, सरकार ने हमसे राजस्व वसूली के लिए बढ़ा दिया। देखिए सिर्फ झारखंड प्रदेश अकेला की बात नहीं, पूरा भारत वर्ष के सभी स्टेट में इसी तरह प्रभावित हुआ कोरोना के चलते। आज भी हम लोग यहाँ जो बड़ा प्रोग्राम नहीं किया है, बड़ा प्रोग्राम नहीं करने का ही एक आज की कोरोना से प्रभावित। अब झारखंड प्रदेश में नियंत्रण है और इस कोरोना के समय जो इस राज्य का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो अपना नेतृत्व और कुशल नेतृत्व जो दिया है और इस राज्य को नियंत्रण में लाने का काम किया है, उसका साथ अभी भी हम लोग सावधानी है क्योंकि तीसरी लहर की बात है। आज तीसरी लहर, उसी लिए हम लोग सभी मास्क पहन रहे हम लोग है, इसीलिए सावधान रहना जरूरी है। इसीलिए बड़ा प्रोग्राम इसमें नहीं आयोजन, कोरोना पे नहीं, जो टैक्स बढ़ाया गया उस पर उसका साथ में सभी स्टेट सभी देश के अंदर में इस तरह से ये परिस्थिति है हर विभाग का, फिर भी परिवहन विभाग ने अहम भूमिका निभाया है। और जहाँ तक ये सब टैक्स बढ़ाना, वो सब पहले बहुत दिनों से बढ़ा भी नहीं था, अगल वाला स्टेट वो पहले से टैक्स बढ़ा के रखा है, लेकिन हमारा यहाँ झारखंड प्रदेश में बड़ा हम लोग सोच समझ के हम लोग कोई भी निर्णय लेते हैं, क्योंकि झारखंड प्रदेश हम लोग क्योंकि विकास करना है, इसलिए ऐसा कोई बात नहीं है कि कोई हम लोग एक सवाल और दादा, जो 1.5 साल से स्कूल बंद है उनके जो बस वाले हैं, उनके छोटे छोटे टैक्सी वाले बोले हमारा जब चल ही नहीं रहा तो कम से कम टैक्स में आप लोग राहत नहीं दिए टैक्स विभाग से, तो वो बराबर मांग कर रहे हैं। अगर ऐसा कोई बात आएगा, उससे कोई बात आएगा तो हम लोग विचार करेंगे, नहीं तो हम लोग कुछ राहत तो दिया है, उनको राहत मिली है, कुछ तो राहत हर जगह दिया है, बस नहीं चल रहा है तो राहत दिया गया है। अरे भी अगर हम चलाने भी हम लोग अगर छूट दे देंगे तो यहाँ आदमी बस में चढ़ने वाला भी तो आदमी चाहिए, इसलिए ये यहाँ का समस्या नहीं है, ये देश का समस्या है, विश्व का समस्या है। ये कोरोना के चलते में बहुत कुछ प्रभावित हुआ है, बहुत कुछ नहीं बहा, बहुत बढ़िया प्रभावित हुआ है, फिर भी इस राज्य के अंदर में हम लोग मिनी लॉकडाउन किया, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह बोल के लॉकडाउन किया, संपूर्ण लॉकडाउन में जो स्थिति पैदा हुआ था, देश को किस जगह में खड़ा कर दिया था केंद्र सरकार, संपूर्ण जो लॉकडाउन किया, जो जहाँ पर आप जो इस जगह खड़ा है तो इसी जगह रह जाइए आपका 70-80 दिन तक। अब इस बार में वहाँ से हम लोग सबक सीख लिया, इस राज्य का मुख्यमंत्री ने हेमंत सोरेन ने ऐसा एक अपनाया कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह वो बोल के लॉकडाउन किया, उद्योग भी खुला रहा, काम भी चलते रहा, रोजगार हाहाकार नहीं हुआ है,
इसलिए सबसे बढ़िया हम लोग एक पॉलिसी नीति लॉकडाउन का हम लोग अपनाया कि यार नियंत्रण में आ गया। एक ये है कि अभी दो दिन पहले जो नियोजन नीति को लेकर भाषा और आप लोगों ने प्राथमिकता दी, उसको लेकर कई लोगों का कहना है कि बाकी जिले जो हैं, खासकर पलामू, गढ़वा, वहाँ जो बोलने वाले भोजपुरी और मगही हैं, उनके साथ अनदेखी हो गया। खासकर आपके मंत्री ने भी ने ये सवाल उठाया और रिक्वेस्ट किया है कि उसको भी शामिल किया जाए। देखिए, इस सवाल के ऊपर में जब बड़ा सोच समझ के हम लोग किया है, बड़ा अच्छा किया है ना, और इसीलिए इसको बड़ा सामने हम लोग रख दिया है कि बड़ा पारदर्शी के हिसाब से हम लोग रख दिया है कि यहाँ मगही और भोजपुरी को शामिल करेंगे जो पलामू और गढ़वा के लोग मांग कर रहे हैं। मांग आया है उसका तो मुख्यमंत्री देखेगा उस विषय को। तो एक लास्ट ये रहेगा, आपके एक वादा रहे थे ग्रामीण बसों का परिचालन करेंगे, हालांकि लॉकडाउन रहा, कोरोना की वजह से एक साल का समय, डेढ़ साल का चला गया। क्या ग्रामीण बसों का परिचालन करने को लेकर आप चालू करेंगे, कब तक करेंगे? निश्चित रूप से ये प्रभावी डेढ़ साल जो हुआ है, बहुत सारा जो काम गति देना था नहीं हो पाया, लेकिन अब विकास की रफ्तार पकड़ लिया है और जो ग्रामीण क्षेत्र को यातायात का सुविधा देने की बात है, निश्चित रूप से वो होगा। और आपका एक ट्रेनिंग स्कूल यहाँ पर झारखंड का दूसरा बन रहा था, वो काफ़ी समय से लटका हुआ है, अगर वो चालू हो जाता तो इस इलाके के लिए जितने वेरी व्हीकल वाले लोग हैं वो धनबाद नहीं जाएंगे बल्कि जमशेदपुर और कोलाहान के लोगों को फ़ायदा, तो वो काम में कैसे प्रोग्रेस हो? देखो, उस काम को भी हम लोग देखा है, गाँव वालों से भी हम लोग बैठक किया है, हमारा विधायक जी रामदास सोरेन भी थे, संजीव बाबू भी था, हम लोग वहाँ का जो गांव का ये शेड्यूल एरिया है ना, ग्राम सभा को थोड़ा हम लोग महत्व देते हैं, यार महत्व देना भी चाहिए, वो सारा चीज़ को आकलन करके उसको हम लोग विचार करके उसका एक रास्ता निकालेंगे और आगे के लिए हम लोग काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि हर सवालों को जो आपके सवाल थे परिवहन विभाग से जुड़े हुए थे, हमने उन सवालों का जवाब लेने की कोशिश किया और उन्होंने अपने तरीके से उन चीज़ों को जवाब दिया। तो अपने सहयोगी सृजन के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड।